Welcome students, welcome to this video lecture series for diploma courses of civil engineering. In this course for structural design and drafting first, that is RCC, I welcome you all. This syllabus is as per RGPV scheme of July 2012. Course code is 505. This lecture is delivered by me, Kamlesh Gupta. Presently, I am a lecturer of civil engineering in Government Polytechnic College, Sindhwa. This is our institute too. So, the course outcome, आप इस वीडियो को पॉज करके इस कोर्स के कोर्स आउटकम को स्टडी कर सकते हैं. अब हमारे इस वीडियो का आउटकम क्या होगा, हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं. कल जो हमारा डिस्कशन हुआ था लिमिट स्टेट मेथड्स के ऊपर, तो लिमिट स्टेट मेथड ऑफ फ्लेक्चर देखा था हमने, लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स एंड लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी. इन दो लिमिटेड स्टेट्स के अंदर हमने अलग अलग लिमिट स्टेट्स देखी थी, क्लियर, और उसके कुछ असम्पशंस के बारे में स्टडी किया था. साथ ही हमने कैरेक्टरिस्टिक लोड भी देखा था और कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ भी देखी थी. अब इस वीडियो में हम लोग आगे डिजाइन वैल्यूज के बारे में पढ़ेंगे और एक जो बीम का क्रॉस सेक्शन होता है और जो बीम की प्रोफाइल होती है उसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है. तो डिजाइन वैल्यू IS कोड 456 का पेज नंबर 68, क्लॉज नंबर है 36.3. इस फाइल को, इस कोड को आप अपने सामने लेके बैठिए और जैसा जैसा मैं बताते जा रहा हूं वैसे वैसे उसको स्टडी करते रहिए, अदरवाइज ही आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला. तो डिजाइन वैल्यूज के बारे में कोडल प्रोविजन है 36.3.1 मटेरियल के बारे में और 36.3.2 लोड के बारे में. तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डिजाइन वैल्यू मतलब क्या, डिजाइन वैल्यू हम किसे कहते हैं. तो देखो, एक बात मुझे ये बताओ, कल हमने एक चीज पढ़ी थी ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, क्लियर. तो ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट क्या होती थी बताएं. अगर M20 कॉन्क्रीट है, M20 कॉन्क्रीट में व्हाट इज M? M का मतलब होता है मिक्स. एंड व्हाट इज 20? 20 इज FCK इज इक्वल टू 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, क्लियर. सो व्हाट इज M? M इज मिक्स एंड 20 इज द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट आफ्टर 28 डेज ऑफ क्यूरिंग, रिमेंबर दैट, ओके. सो व्हाट इज FCK? FCK इज द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट आफ्टर 28 डेज ऑफ क्यूरिंग. जब हमने उसके 150 mm by 150 mm by 150 mm की क्यूब को टेस्ट किया, है ना, मिनिमम कितने सैंपल लेना है, एक सैंपल के अंदर मिनिमम कितने क्यूब लेना है, 3, क्लियर. ये आप चीज बिल्कुल याद रखना, इसमें कभी भी कोई भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए. तो जब हमने उसका कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन CTM के अंदर टेस्ट किया, टेस्ट करने पर हमें क्या मिला, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिली, कितनी मिली, 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, क्लियर. सो FCK बिकम्स द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट आफ्टर 28 डेज ऑफ क्यूरिंग. इसे बार बार आपके दिमाग में बिल्कुल बिठा के रखना, ठीक. कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ पिछली बार याद करो, 5% से ज्यादा सैंपल फेल नहीं होना चाहिए. तो ये हो गया हमारा M20 FCK. तो लेकिन ये डिजाइन वैल्यू नहीं है, डिजाइन वैल्यू क्या होगी, डिजाइन वैल्यू ये तो भैया कॉन्क्रीट की स्ट्रेंथ आई है, इससे हमने डिजाइन नहीं किया है, ये कॉन्क्रीट की खुद की है. तो डिजाइन वैल्यू का मतलब क्या हुआ, डिजाइन वैल्यू का मतलब वो वैल्यू है जिस वैल्यू पे हम लोग क्या करेंगे, उस वैल्यू को मानेंगे और उस वैल्यू को मानकर हम हमारे स्ट्रक्चर का डिजाइन करेंगे. सपोज कि
भले ही कंक्रीट की स्ट्रेंथ कितनी आ रही है 20, पर जैसा मैंने कल बताया था, ड्यू टू पुअर वर्कमैनशिप है ना एंड पुअर क्वालिटी कंट्रोल क्या होगा, मान लो कि अगर किसी स्ट्रक्चर में, यानी मान लो पूरी बीम के अंदर किसी जगह पे कंक्रीट की स्ट्रेंथ 18 ही निकली, तो स्ट्रक्चर तो फेल हो जाएगा। तो फेल हो जाएगा तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिजाइन करते टाइम ही ये मान के चलना है कि देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट द स्ट्रक्चर विल फेल। क्लियर? तो आप क्या करो कि उस 20 को 20 मत मानो, 20 थोड़ा सा कम मानो। आप ये मान लो, कितना कम मानो, ये देखो। तो ये एफ डी, ये एफ कैसा है, स्मॉल, स्मॉल एफ में ये डी साइड में लिखा है छोटा सा नीचे बना के, है ना, इज इक्वल टू एफ अपॉन गामा एम। व्हाट इज एफ डी, एफ डी इज द डिजाइन वैल्यू फॉर मटेरियल, एंड व्हाट इज एफ, एफ इज दिस, ये एफ, एफ सी के, है ना। स्टील के केस में क्या होगा, ये तो कंक्रीट का केस हो गया। चलो अब मैं इसको मिटा देता हूं, से मिटा देते हैं। अब हम देखेंगे स्टील के केस में, ग्रेड ऑफ स्टील, ठीक है। ग्रेड ऑफ स्टील तीन तरह की इन जनरल आती है, एक होती है एफई 250, एक होती है एफई 415 और एक होती है एफई 500, ठीक। ये जो 415 है और 500 है, इसे हम कहते हैं एच वाई एस डी, और एफई 250 कहते हैं हम एमएस। अब एमएस का फुल फॉर्म, एमएस का फुल फॉर्म है माइल्ड स्टील, और एच वाई एस डी का फुल फॉर्म हाई यील्ड स्ट्रेंथ डीफॉर्म्ड बार। क्लियर? तो तीन तरह के स्टील की ग्रेड हो गई, एफ ई 250, एफ ई 415, एफ ई 500। एफ ई 250 को हमने क्या कहा, माइल्ड स्टील। FE 415 और FE 500 को क्या कहा हमने, HYSD बार, यानी हाई स्टील स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार। अब यहाँ पे FE का मतलब क्या है, अगर आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी होगी थोड़ा ध्यान से तो आप लोग बता देंगे तुरंत, FE किसको कहते हैं, FE कहते हैं आयरन को, FE कहते हैं हम आयरन को। तो ये तो एक नोटेशन हो गया, जैसे कंक्रीट में M कहा हमने मिक्स को, ऐसे इसमें Fe कहा हमने आयरन को, सिंपल। तो ये 250 क्या है, 250 क्या है, 250 इज द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। कौन सी स्ट्रेंथ है, यील्ड स्ट्रेंथ। यील्ड स्ट्रेंथ को कैसे डिनोट करते हैं हम, Fy से, ये देखो, सॉरी, Fy is equal to 250 Newton per millimeter square. What is Fy? Fy is equal to yield strength of steel. Yield strength of steel. Clear? तो अब yield strength का क्या फंडा है, देखो इसका फंडा यह है कि कंक्रीट को तो हम कब तक टेस्ट करते हैं, जब तक कि वो टूट ना जाए, लेकिन स्टील को हम तब तक टेस्ट नहीं करते हैं। यानी हम स्टील क्योंकि एक डक्टाइल मटेरियल है, तो डक्टाइल मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या होती है, डक्टाइल मटेरियल की प्रॉपर्टी ये होती है कि इट विल नॉट फेल, है ना, डायरेक्टली। ये डायरेक्टली फेल नहीं होता है, जैसे कॉन्क्रीट होता है कांच के जैसा होता है, आपने क्या करा कहीं पर ड्रॉप करा कांच को तो कांच तुरंत टूट जाता है, लेकिन जो डक्टाइल मटेरियल होता है ना, डक्टाइल मटेरियल डायरेक्टली फेल नहीं होता है। डक्टाइल मटेरियल क्या होता है कि फेल होने के पहले वो यील्ड कर जाता है। अब यील्ड करना मतलब कि वो उसमें एक्सेसिव डिफॉर्मेशन आते हैं। देखो मॉस के अंदर उस डायग्राम को याद करो जो हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाया था, ये स्ट्रेस कर्व है, ये स्ट्रेन कर्व, ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो होता है
ये होता है ब्रिटल मटेरियल के लिए, ब्रिटल यानी कॉन्क्रीट। तो देखो कॉन्क्रीट में क्या हुआ, पहले तो ये यहां तक गया, ये सीधा हमने सब पढ़ा था इलास्टिसिटी लिमिट, याद रखो है ना, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, इलास्टिसिटी लिमिट, ये हमारा अल्टीमेट लोड और ये फ्रैक्चर लोड। ठीक, तो ये जो लोड है ना ये होता है हमारा एफसी के, कॉन्क्रीट के केस में, क्योंकि कॉन्क्रीट क्या है डायरेक्टली फेल हो जाता है ना। अब ये ब्रिटल होता है कॉन्क्रीट, लेकिन स्टील क्या होता है, स्टील इज अ डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी बताई थी याद करो, डक्टाइल मटेरियल की प्रॉपर्टी ये है कि दैट इट विल यू नो इट विल डीफॉर्म एक्सेसिवली बिफोर द फ्रैक्चर। तो अब हम क्या करते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाएंगे एक डक्टाइल मटेरियल के लिए। डक्टाइल मटेरियल कौन, स्टील। ये हमने वाई एक्सिस लिया, ये एक्स एक्सिस लिया, ठीक है, ये हमने डाला स्ट्रेस, ये हमने डाला स्ट्रेन, ये हमारा गया पैरेलल, फिर ये सॉरी इसको फिर से बनाता हूं, ये गया हमारा, ये हमने लोड लगाया तो इस प्रकार से हुआ, फिर थोड़ा सा नीचे हुआ, फिर ये ऐसा ऐसा होता है, फिर ये ऐसा करके होता है। ध्यान करो ये कर्व किसके लिए है, डक्टाइल मटेरियल के लिए। अब हमारा स्टील कैसा मटेरियल है, डक्टाइल। तो जब स्टील फेल होगा ना तो वो इस हिसाब से फेल होगा। ये देखो यहाँ पे सेम स्ट्रेस पे क्या हुआ, इसके अंदर एक्सेसिव स्ट्रेन आ रही है, यानी आपने स्ट्रेस की वैल्यू चेंज नहीं करी, लेकिन ये क्या हो रहा है यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रेन आ रही है, यानी कि उसको हमने उस प्रॉपर्टी को हमने क्या कहा था, नेकिंग कहा था। ध्यान करो आप, तो अगर हमने स्टील की एक बार ली है ना, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ बार, इसके ऊपर हमने टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट किया, तो अब इसे खींचेंगे तो एक लिमिट के बाद क्या होगा, इसमें एक नेकिंग होगी और झटका लगेगा और इसमें एक एक्सेसिव डिफॉर्मेशन आएगा और टूटेगी नहीं, ये अभी भी टूटी नहीं है, क्यों, क्योंकि यहां पे देखो ये यहां से यहां पे एक्सेसिव डिफॉर्मेशन आया, लेकिन ये टूटी क्या, नहीं टूटी, फिर से ये क्या करेगी, आगे बढ़ेगी, तो ये जो होगा ना ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा। ठीक है, इस जगह को कहते हैं हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन और इस जगह को हम क्या कहते हैं, इलास्टिक डिफॉर्मेशन। अब फिर से इलास्टिक और प्लास्टिक में क्या अंतर है, इलास्टिक इज अ सब्सटेंस दैट कम्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर द लोड इज रिमूव्ड। जब हमने किसी पदार्थ के ऊपर बल लगाया तो उस पदार्थ के अंदर एक डिफॉर्मेशन आएगा, लेकिन जैसे ही उस बल को हटाएंगे तो पदार्थ अपनी पुनः अपनी ओरिजिनल अवस्था में पहुंच जाएगा, तो हम उसे कहेंगे इलास्टिक डिफॉर्मेशन। देन व्हाट इज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, व्हेनेवर देयर इज एक्सटर्नल लोड अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट द डिफॉर्मेशन ऑन दैट ऑब्जेक्ट बिकम्स परमानेंट, देयर विल बी अ परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑन दैट ऑब्जेक्ट। क्या मतलब इसका, कि जब किसी पदार्थ के ऊपर हमने कोई बल लगाया, बाहरी बल लगाने के कारण उस पदार्थ के ऊपर एक परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया है ना, और अब वो पुनः अपनी अवस्था में नहीं पहुंच सकता है चाहे उस बल को हम हटा ले। जैसे हमने कीचड़ का या मिट्टी के गणेश जी बनाता है, तो मिट्टी के गणेश जी के लिए हमने मिट्टी ली और उसे गणेश जी बनाने लगे, लेकिन क्या हुआ, अगर आपने हाथ हटाया तो क्या वापस मिट्टी का गोला बन जाएगा, नहीं तो गणेश जी बन जाए। तो हमने क्या कहा, दैट डिफॉर्मेशन इज प्लास्टिक। कॉन्क्रीट के हमने बीम ली है ना, तो बीम को हमने पहले उसमें खांचा बनाया है ना, इसके फोल्डिंग लगाई, उसके अंदर कॉन्क्रीट हमने डाला, जब हमने इसके फोल्डिंग हटाई तो कॉन्क्रीट पूरा सेट हो गया, तो शुरू में कैसा रहा वो, प्लास्टिक। तो ये हो गया हमारा इलास्टिक डिफॉर्मेशन एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो यील्ड स्ट्रेस क्या होती है, यील्ड होती है यहां पे, दिस पॉइंट इज नोन एज अपर यील्ड पॉइंट। एक होता है अपर यील्ड, एक होता है लोअर यील्ड, सब याद करो पढ़ाया हुआ है मॉस्केर में। ये हो गया हमारा अपर यील्ड और ये लोअर यील्ड, तो इस पॉइंट को हमने कहा है यील्ड पॉइंट, और ये हो गया हमारा अल्टीमेट स्ट्रेंथ और ये हो जाता हमारा फ्रैक्चर स्ट्रेंथ। तो हमको यहां पे जाना ही नहीं है, हमारा काम यहीं खत्म हो जाएगा, क्लियर। ये हो गया हमारा यील्ड स्ट्रेंथ, तो यील्ड स्ट्रेंथ की बारी हो गई एफ वाई। क्या हुआ इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए, किसी किताब में नहीं मिलने वाला,
एफ वाई क्या होता है, एफ सी के क्या होता है, ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए कि ताकि आप क्वेश्चंस को कंसेप्चुअली सॉल्व कर पाए। क्लियर? तो ये हमारा हो गया ग्रेड ऑफ स्टील की बारी। एफ ई 250, एफ ई 415, एफ ई 500, एफ वाई 250। क्लियर? तो मटेरियल स्ट्रेंथ में हम क्या कहेंगे, गामा एम। तो यहां पे एफ कौन सा रहेगा स्टील के केस में, एफ वाई, और कॉन्क्रीट के केस में कौन सा था, एफ सी के। ठीक, तो ये हो गया हमारा डिजाइन स्ट्रेंथ इज इक्वल टू एफ अपॉन गामा एम। ये दो वैल्यू हो गई। ठीक है, अब इसे मिटा देते हैं, पॉइंट नंबर टू पे चलते हैं। व्हाट इज पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर टू एक बार देख लो क्या है पॉइंट नंबर टू। पॉइंट नंबर टू आता है डिजाइन वैल्यू फॉर लोड। तो ये तो हमारा हो गया मटेरियल की बारी। अब आती है लोड की बारी। लोड को हम कैपिटल एफ से डिनोट करेंगे, कैपिटल एफ और फिर डी लिख देंगे। कैपिटल एफ और डी इज इक्वल टू एफ और गामा एफ। तो यहाँ पे कैपिटल एफ क्या हो गया, कैपिटल एफ डी हो गया डिजाइन लोड, और एफ क्या हो गया, एफ हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक लोड, या जिसको हम कहते हैं वर्किंग लोड। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक लोड। कल ही हमने ये, कल नहीं मतलब पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक लोड किसे कहते हैं, व्हेन देयर इज अ 95% चांस दैट दैट लोड वैल्यू कमिंग ऑन द स्ट्रक्चर विल नॉट गो बियॉन्ड दैट लोड। वो विंड वाला एग्जांपल याद करो, 5 किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर? तो वहां से आपको कैरेक्टरिस्टिक लोड मिल गया। तो गामा एफ क्या है, गामा एफ इज पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड। गामा एफ क्या हो गया, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड। ठीक, इसकी सबकी वैल्यूज जो है ना वो आईएस कोड में दी हुई है। नीचे आप टेबल में जाओ, टेबल नंबर 18, टेबल नंबर 18, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। अब हम डिस्कशन करते हैं पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स के ऊपर। व्हाट आर द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ये सेफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं, सेफ्टी यानी कि सुरक्षा के बारे में बात कर रहे हैं। तो सुरक्षा के कोई फैक्टर हैं जो कि कैसे हैं, पार्शियल है। तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड को हमने किससे डिनोट किया, गामा एफ से। गामा एफ के लिए हम क्या जाएंगे, टेबल नंबर 18 देखेंगे, टेबल नंबर 18 आईएस 456 के अंदर। इसमें टेबल नंबर 18 के अंदर लोड कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं, और उन लोड कॉम्बिनेशन के लिए आपको गामा एफ की डिफरेंट वैल्यूज दी है। तो अगर आप डेड लोड प्लस लाइव लोड इन दोनों को लोगे तो इसके लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर की वैल्यू कितनी लेना है, 1.5। विंड लोड के लिए हमेशा कितना लेना है, विंड लोड के लिए 1.0। ये पहली रो में लिखा हुआ है। और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी के केस में आप देखो, डेड लोड लाइव लोड विंड लोड सारे के सारे क्या करेंगे हम लोग, 1.0 लेंगे। जब आप क्वेश्चन करोगे ना तो ये सब समझ में आ जाएगा। अभी इतना ज्यादा इस पे लोड लेने की जरूरत नहीं है, चाहे डेड लोड हो चाहे इम्पोज लोड हो, कोई सा भी लोड मत लो। ठीक है, अच्छा अब लोड की बात करिए तो एक बार लोड भी देख ही लेते हैं कि डेड लोड और इम्पोज लोड क्या होता है। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं पर एक बार छोटा सा रिविजन। ये एक बीम है, ये बीम किसकी बनी है, कंक्रीट की। क्लियर? तो ये कंक्रीट का खुद का कुछ वजन होता है, हर बीम का अपना एक वजन होता है ना, बहुत भारी भरकम होती है। तो ये वजन जो होता है ये फिक्स होता है, ये कहीं भी चलता फिरता नहीं है कि चलो यार इधर चले उधर चले, नहीं बिल्कुल फिक्स है। जैसे ही आपने स्ट्रक्चर का डिजाइन किया तो उसके बनने के बाद में ये लोड आपका फिक्स हो जाएगा। फिर इसके ऊपर इसको आप कह देंगे डेड लोड, छोटा डी एल। ठीक, इसके लिए आप लोग क्या करिए, अपने इस आईएस कोड के अंदर पेज नंबर खोलिए, पेज नंबर है 30, पेज नंबर 2 में सेक्शन नंबर 3
लोड्स एंड फोर्सेस के अंदर हम बात कर रहे थे। क्लॉज नंबर 9 देखेंगे। क्लॉज नंबर 9, लोड्स एंड फोर्सेस। लोड्स एंड फोर्सेस में 19.1 का कहना यह है, इन स्ट्रक्चरल डिजाइन अकाउंट शैल बी टेकन ऑफ द डेड इम्पोज्ड एंड विंड लोड्स एंड फोर्सेस सच एज दोज कॉज्ड बाय अर्थक्वेक एंड इफेक्ट्स ड्यू टू श्रिंकेज, क्रीप, टेम्परेचर एटसेट्रा वेयर एवर अप्लीकेबल। तो यहां पे लोड स्ट्रक्चरल डिजाइन में आपको डेड लोड, इम्पोज्ड लोड, विंड लोड, ये तीन प्रकार के लोड दिए हैं और फोर्सेस कौन कौन सी बोली है, अर्थक्वेक और श्रिंकेज का इफेक्ट, क्रीप का इफेक्ट और टेम्परेचर आदि का इफेक्ट, इनके लिए आपको स्ट्रक्चर के डिजाइन करना है। जब आप स्ट्रक्चर के डिजाइन करेंगे तो इनके लिए आपको ध्यान रखना है कि ये सारे लोड्स और फोर्सेस आएंगे, ठीक है। तो इसमें 19.2 में सबसे पहला है डेड लोड। 19.2 में आप देखेंगे लिखा हुआ है डेड लोड। डेड लोड मैंने क्या बताया, डेड लोड जो है वो कंक्रीट की बीम का स्वयं का भार है ना। अगर उसके ऊपर कोई भी फर्नीचर आदि ना रखा हुआ है, उसके ऊपर कोई और दूसरी बिल्डिंग नहीं बनी हुई है, तो उस बीम का स्वयं का भार कितना होगा, वो होगा उसका डेड लोड। इस डेड लोड के लिए 19.2.1 के अंदर आप देखेंगे लिखा हुआ है डेड लोड जो है वो IS 875 पार्ट 1 के हिसाब से आपको निकालना है। एंड उसके अलावा भी आपको IS कोड में एक नॉमिनल वैल्यू दी हुई है। अगर आप ज्यादा एक्यूरेट कैलकुलेशन नहीं चाह रहे हैं और एक एवरेज कैलकुलेशन चाह रहे हैं तो नॉमिनल वैल्यूज क्या दी है, ये देखिए लिखा हुआ है लास्ट पैराग्राफ में दैट यूनिट वेट्स ऑफ प्लेन कॉन्क्रीट एंड रीइंफोर्स कॉन्क्रीट मेड विथ सैंड एंड ग्रेवल और क्रश्ड नेचुरल स्टोन एग्रीगेट मे बी टेकन एज 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब और 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। याने क्या बोला, ये मैं मिटा देता हूं। क्या बोला है आपको, आपको बोला है कि डेड लोड जो है, डेड लोड को हम छोटे स्मॉल अक्षरों में क्या बोलेंगे, डी एल। तो डेड लोड सॉरी डी एल, तो डेड लोड जो है, डेड लोड की वैल्यू पीसी के लिए प्लेन सीमेंट कंक्रीट के लिए कितनी दी है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट के लिए आपको डेड लोड वैल्यू दी है 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब और आरसीसी के लिए इसके लिए कितनी दी है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। क्लियर, ये वैल्यूज आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज है। तो आप लोगों को डेड लोड और पीसीसी और आरसीसी दोनों के लिए याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में अगला देखेंगे आप, इसमें आता है इंपोज्ड लोड। तो ये डेड लोड हमको समझ में आ गया। डेड लोड के बाद में नेक्स्ट आता है इम्पोज लोड। इम्पोज लोड को दूसरे शब्दों में हम कहते हैं लाइव लोड या चल भार। इम्पोज्ड को अगर आप डिक्शनरी में मीनिंग खोजेंगे तो इम्पोज्ड का मतलब ये होता है कि बाहर से कोई थोपी हुई चीज है, इम्पोज्ड लोड। यानी अगर किसी स्ट्रक्चर के ऊपर कोई आ रहा है जो कि उसका स्वयं का नहीं है, वो चलित है, चल भार, लाइव है, लाइव लोड, चल भार। जैसे कि हम लोग अगर हमारे घर के अंदर बैठे हुए हैं तो हमारा भी लोड स्ट्रक्चर के ऊपर आएगा, क्लियर। अगर इस फ्लोर के ऊपर एक और फ्लोर डाल दूंगा तो उस फ्लोर का लोड भी हमारे इस नीचे वाले फ्लोर पे आएगा। फिर टाइल्स की बात करो आप, या फिर आप जो उसके ऊपर फिनिशिंग करेंगे, आप फर्नीचर रखेंगे, उन सभी का जो लोड है उस लोड को हम कहते हैं लाइव लोड या इम्पोज लोड या चल भार। शॉर्ट में इसको कहेंगे आई एल, क्लियर। तो आई एल के लिए इसमें दिया हुआ है 19.3, सेक्शन नंबर 19.3 चेक करिए। इसमें क्या लिखा हुआ है 19.3 में, इम्पोज लोड, विंड लोड्स एंड स्नो लोड, इसके बारे में लिखा हुआ है इम्पोज लोड, विंड लोड और स्नो लोड IS 875 पार्ट 2, 3 और 4 के हिसाब से लिए जाएंगे। तो अब IS कोड 875 के अंदर आपको ये मालूम पड़ गया कि IS कोड 875 किस बारे में है, लोड्स के बारे में है, इसको ध्यान रखना। कभी भी क्वेश्चन आ गया, किसी ने इंटरव्यू में पूछ लिया कि IS कोड 875 किसके लिए है, तो दैट इज लोड,
पार्ट वन किसके लिए है? डेड लोड के लिए. पार्ट टू किसके लिए है? इम्पोज्ड लोड. पार्ट थ्री विंड लोड. एंड पार्ट फोर इज स्नो लोड. क्लियर. उसके बाद में नेक्स्ट आता है अर्थक्वेक. अर्थक्वेक के कारण जो जनरेट होने वाली फोर्सेस, यहां ध्यान दो, अर्थक्वेक लोड नहीं बोला. अर्थक्वेक के कारण क्या हो रही है? कुछ फोर्सेस लगेगी, है ना. अर्थक्वेक के कारण कुछ फोर्सेस लगेंगी. उसके लिए कौन सा कोड है? उसमें लिखा हुआ है आईएस कोड 1893. क्लियर. आईएस कोड 1893. उस कोड के अंदर अर्थक्वेक फोर्स को हमको कैसे अप्लाई करना है, वो सब कुछ दिया हुआ है. फिर उसके बाद में अगला आता है श्रिंकेज, क्रीप, टेम्परेचर. श्रिंकेज, क्रीप एंड टेम्परेचर इफेक्ट्स. अब ये श्रिंकेज, क्रीप एंड टेम्परेचर इफेक्ट्स, ये क्या होता है? तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके सबसे पहले हम श्रिंकेज को समझेंगे कि व्हाट इज द श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट. श्रिंकेज कैसा होता है और वो क्यों हमको कैलकुलेट करना जरूरी होता है. ठीक है. तो सबसे पहले हम श्रिंकेज की बात करेंगे. श्रिंकेज क्या होता है कंक्रीट के अंदर? ड्यू टू द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इनसाइड द कंक्रीट, है ना. हम कंक्रीट को बनाएंगे तो उसके अंदर पानी डालेंगे. पानी डालने के कारण उसके वॉल्यूम में थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी. जैसे कि काली मिट्टी के अंदर आप पानी डालते हो तो उसके वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन कंक्रीट का इतना नहीं बढ़ेगा, लेकिन देयर विल बी सम एक्सपांशन इन द वॉल्यूम. फूल जाएगा वो, है ना, फूलेगा पानी डालने के कारण. फिर क्या होगा कि आपने उस कंक्रीट को बीम बनाई, बीम बना के उस कंक्रीट की बीम को आपने 28 दिन के लिए मतलब उसको सेट करने के रख दिया. अब क्या होगा? पानी उड़ेगा धीरे धीरे. पानी उड़ रहा है तो जब पानी जाएगा तो उसका वॉल्यूम श्रिंक हो जाएगा. श्रिंक होना यानी कि सिकुड़ना. तो उस सिकुड़न के कारण कंक्रीट के अंदर क्या जनरेट होंगी? स्ट्रेसेस जनरेट होंगी. कैसे? आपने हमारे यहाँ के खेत देखे, काली मिट्टी के खेत. काली मिट्टी के खेत में जब बारिश का पानी आ जाता है तो मिट्टी का जो मैदान होता है बिल्कुल समतल दिखाई देता है. क्लियर. लेकिन जब वो पानी उड़ जाता है तो इस प्रकार से उसके अंदर बड़े 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 दरारें आ जाती हैं. क्लियर. ये जो बड़ी बड़ी दरारें हैं, ये बड़ी बड़ी दरारें किस वजह से आ रही है? ये बड़ी बड़ी दरारें इस वजह से आ रही है क्योंकि इसके अंदर का पानी उड़ गया. तो ड्यू टू द एवापोरेशन ऑफ वॉटर देयर विल बी द श्रिंकेज ऑफ दैट सॉइल. तो सिमिलरली इन केस ऑफ कॉन्क्रीट क्या होगा? कंक्रीट के केस में भी इसी प्रकार से जैसे ही पानी उड़ेगा, पानी के उड़ने के कारण उसके अंदर वॉल्यूम की कमी होगी. तो इफ दिस इज अ कंक्रीट क्यूब, ये कंक्रीट का क्यूब है. अब कंक्रीट के क्यूब में से जब पानी उड़ गया, ये पानी उड़ गया, तो अब यहां पे भी ये कोशिश क्या करेगा? सिकुड़ने की कोशिश करेगा. सिकुड़ने की कोशिश करेगा ये यहां से इधर की तरफ, यहां से इधर की तरफ, है ना, यहां से इधर की तरफ, यहां से इधर की तरफ. लेकिन क्योंकि ये तो अब हार्ड हो चुका है, हार्ड हो गया ना, अब तो ये मिट्टी जैसा थोड़ी ना है. मिट्टी क्या होती है? मिट्टी थोड़ी ना हार्ड होती है. तो ये मिट्टी जैसा नहीं है. तो अब इसके अंदर क्या होगा? श्रिंकेज के कारण स्ट्रेसेस जनरेट होंगी. ऑटोमेटिक यहां पे अंदर के अंदर स्ट्रेसेस जनरेट होंगी. इन स्ट्रेसेस को कहा जाता है श्रिंकेज स्ट्रेसेस. ध्यान से सुन लो, ये किसी किताब में नहीं मिलने वाला तुमको, ठीक है. इन स्ट्रेसेस को कहा जाता है श्रिंकेज स्ट्रेसेस. और इन स्ट्रेसेस के कारण कंक्रीट के अंदर कई बार क्रैक डेवलप होते हैं. क्या डेवलप होते हैं? क्रैक. तो इन क्रैक को क्या कहेंगे हम? इन क्रैक को कहेंगे श्रिंकेज क्रैक. इनको क्या कहेंगे हम? श्रिंकेज क्रैक. तो हमको श्रिंकेज समझ में आ गया ना. श्रिंकेज के बाद अब आएगा क्रीप. ये सब क्या है ना, एग्जाम में डायरेक्ट पूछते हैं, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट डू यू मीन बाय श्रिंकेज. और ये श्रिंकेज आपको कहीं नहीं मिलने वाला, किसी किताब में नहीं मिलने वाला, इसको आपको समझना होगा, वो भी अभी. एक होता है क्रीप. अब क्रीप को समझने के लिए आप ये देखिए, ये मैंने एक
फ्लोर है, फ्लोर यानी कि जमीन है, मान लो कंक्रीट की जमीन, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल है, इसके ऊपर ये कंक्रीट का फ्लोर है। जैसे हमारी छत, मान लो छत के ऊपर अगर हम खड़े हो गए तो छत हमारे लिए क्या हो जाएगी, फ्लोर बन जाएगी, है ना। जो ऊपर होता है उसको सीलिंग कहते हैं, जो नीचे होता है उसको फ्लोर कहते हैं। अब इसके ऊपर आपने एक 50 किलो का बाट रख दिया, फिफ्टी केजी, 50 किलो का इसके ऊपर एक वजन रख दिया, और रखने के बाद आप भूल गए फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक साल, दो साल, पांच साल, दस साल, बीस साल, तो क्या होगा, ये रखे रखे इसके अंदर एक डिफॉर्मेशन आ जाएगा, इसके अंदर एक डिफॉर्मेशन आ जाएगा, डिफॉर्मेशन आ जाएगा। ये डिफॉर्मेशन जो होगा ये परमानेंट हो जाएगा, दिस डिफॉर्मेशन विल बी परमानेंट, इसको कहते हैं हम क्रीप। सो ड्यू टू अ कॉन्स्टेंट लोडिंग एट अ सिंगल पॉइंट फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड, क्रीप इज प्रोड्यूस्ड इन साइड द कॉन्क्रीट, एंड ड्यू टू दिस क्रीप देयर विल बी स्ट्रेसेस, क्योंकि देखो अब इसके वॉल्यूम में चेंज हुआ ना, ये दब गया तो यहां पर कुछ स्ट्रेसेस जनरेट होंगी, इन स्ट्रेसेस को क्या कहा हमने, क्रीप स्ट्रेसेस, इन स्ट्रेस को क्या कहा हमने, क्रीप स्ट्रेस, क्लियर। ये हो गया हमारी क्रीप का कॉन्सेप्ट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट इज द टेम्परेचर। सो व्हाट आर द टेम्परेचर स्ट्रेसेस इनसाइड अ कॉन्क्रीट, चलिए अब टेम्परेचर स्ट्रेसेस को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। टेम्परेचर, ये एक कॉन्क्रीट की रोड बना हुआ है, क्या है ये, कॉन्क्रीट का रोड होता है ना, कॉन्क्रीट का रोड देखा है आप लोगों ने, कॉन्क्रीट के रोड के ऊपर ये नीचे क्या है, नीचे ग्राउंड लेवल है और ऊपर क्या है, ये है सन। अब गर्मी में हमारे यहां टेम्परेचर कितना पहुंच जाता है, इट इज मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री से भी ज्यादा पहुंच जाता है, लेकिन क्योंकि ये जो स्लैब है इसके नीचे ये जो धरती है, यहां पे टेम्परेचर कितना रहेगा, यहां पे टेम्परेचर 40 डिग्री से काफी कम रहेगा, हो सकता है यहां पे 10 डिग्री हो या हो सकता है 20 डिग्री हो। तो अब देखो यहां पे कितना टेम्परेचर है, 40 डिग्री सेल्सियस, यहां कितना टेम्परेचर है, 20 डिग्री सेल्सियस। तो अब एक जगह पे 40 है, एक जगह पे क्या है, 20 है, तो दोनों के बीच में टेम्परेचर में क्या हो गया, अंतर हो गया। अंतर होने के कारण क्या हुआ कि क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि कोई भी पदार्थ को अगर हम गर्मी देते हैं तो वो एक्सपांड होता है, और किसी पदार्थ में अगर उसका टेम्परेचर कम करेंगे तो वो कंप्रेस होगा, कंसोलिडेट होगा, श्रिंक होगा। तो अब यहां पर तो ज्यादा टेम्परेचर है तो यहां पर एक्सपांशन क्या होगा, बहुत ज्यादा, लेकिन यहां पे कम है तो यहां पे उतना एक्सपांशन नहीं होगा। तो कुल मिला के क्या होगा, यहां पे और यहां पे दोनों में अंतर आ गया, तो इसके कारण यहां पे क्या हुई, स्ट्रेस जनरेट हो जाएगी। तो इन स्ट्रेसेस को हमने क्या कहा, टेम्परेचर स्ट्रेसेस, क्लियर। इन स्ट्रेसेस को हम कहेंगे टेम्परेचर स्ट्रेसेस। तो अगर मैं इसे कहूंगा शब्दों में तो टेम्परेचर स्ट्रेसेस आर दोज स्ट्रेसेस व्हिच आर जनरेटेड इन अ कंक्रीट ब्लॉक ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस एंड थर्मल एक्सपांशन। जो कॉन्क्रीट का बढ़ना होता है उसको कहते हैं थर्मल एक्सपांशन, THERMAL, थर्मल एक्सपांशन। क्या कहा हमें इसे, थर्मल एक्सपांशन। थर्मल एक्सपांशन किसे कहेंगे, ड्यू टू द टेम्परेचर difference, है ना, if there is a temperature will be more then expansion will be more,
but below it, below the slab, the temperature is less, expansion is less. So there will be temperature difference between the upper layer and the bottom layer of the concrete. So there will be temperature difference, and due to this, there will be differential expansion of the concrete block. A concrete block ka differential expansion hoga, jisse hame ye pata chalta hai ki wahan pe stresses generate honge. Ye ho gaye hamari temperature stresses, clear? To ab shrinkage creep aur temperature effect ke liye wapas se hum aa jate hain hamare code ki taraf. Code mein kya diya hua hai? Temperature, shrinkage aur creep ke liye. Again, IS code kaun sa diya hai? कोड में देखिए, आईएस कोड दिया है आईएस कोड 875 पार्ट 5. तो ये सारे लोड हैं जो हमने अभी देखे. चलिए अब इसके बाद में अगला हम लोग पढ़ते हैं आईएस, ये क्लॉज नंबर 19.7 में सीधे ले जाते हैं. और दूसरे लोड भी होते हैं लेकिन वो हमारे काम के नहीं है. पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर 33. इसके क्लॉज नंबर 9.7 में देखें, 19.7 में लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ लोड्स. क्या लिखा है? कॉम्बिनेशन ऑफ लोड्स. ये कॉम्बिनेशन ऑफ लोड मैंने बताया था अभी जस्ट पहले टेबल बना के, कि डेड लोड के साथ में इंपोज लोड आएगा, डेड लोड के साथ में इंपोज लोड आएगा और विंड लोड भी आ सकता है. डेड लोड के साथ में इंपोज लोड आएगा प्लस या तो विंड लोड लेंगे या अर्थक्वेक लोड लेंगे. ये सब जो है ना, ये आईएस कोड 875 दिया हुआ है. ये एक मिनट में इसको बढ़ा देता हूं, ये मेरे पीछे चला गया है, सॉरी. ये सब कुछ क्या है? आईएस कोड 875 में दिया हुआ है. तो आपको आईएस कोड 875 को रिफर करना है जब भी आप लोड की बात करेंगे. तो कौन से कोड को रिफर करना है? आईएस कोड 875 को. तो इसमें कॉम्बिनेशन कैसा होता है? लोड कॉम्बिनेशन. क्योंकि किसी भी स्ट्रक्चर पे डेड लोड तो लगेगा, डेड लोड तो उसका खुद का हो गया, फिर उसके साथ कुछ इंपोज्ड होंगी, है ना. या फिर ये भी हो सकता है कि डेड लोड के साथ में इंपोज्ड लोड भी ले और विंड लोड भी ले. कई बार हम विंड लोड की जगह पे अर्थक्वेक लोड लेते हैं. तो अर्थक्वेक लोड लेने का भी तरीका होता है, विंड लोड लेने का भी तरीका होता है. हम उसकी ज्योग्राफी देखेंगे कि वो आइटम कहाँ पे है, वो स्ट्रक्चर हम कहाँ बना रहे हैं. अगर समुद्र के किनारे बना रहे हैं तो वहां पे बहुत तेज हवा चलेगी, तो हमें विंड लोड को भी कंसिडर करना होगा. अगर हम उसे अर्थक्वेक के किसी जोन 4 या 5 में बना रहे हैं जहां पे भूकंप आने की संभावना अत्यधिक है, तो हमें अर्थक्वेक लोड को भी ध्यान में रखना होगा. तो ये हो गया हमारा डिजाइन लोड और इम्पोज लोड. अब इसके बाद में अगला कॉम्बिनेशन, ये लोड कॉम्बिनेशन के बाद अगला क्लॉज 19.9. आ गए हम लोग फिर से डिजाइन लोड पे, जहां से हमने ये यात्रा शुरू करी थी. डिजाइन लोड, डिजाइन लोड क्लॉज नंबर क्या है? 19.9. पेज नंबर क्या है? 33. पेज नंबर 33 के क्लॉज नंबर 19.9 डिजाइन लोड को पढ़ेंगे. डिजाइन लोड इज द लोड टू बी टेकन फॉर द यूज इन अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ डिजाइन. इट इज द कैरेक्टरिस्टिक लोड इन केस ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड एंड कैरेक्टरिस्टिक लोड विद अप्रोप्रिएट पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लिमिट स्टेट डिजाइन लिखा हुआ है. तो डिजाइन लोड WSM के केस में होगा FCK, कैरेक्टरिस्टिक लोड, और लिमिट स्टेट के केस में कितना होगा? लिमिट स्टेट के केस में होगा डिजाइन लोड इज इक्वल टू वर्क कैरेक्टरिस्टिक लोड मल्टीप्लाइड बाय गामा F, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड. पार्शियल सेफ्टी फैक्टर की वैल्यू कहां से मिलेगी? ये उसी के नीचे टेबल बनी है, देखो जरा टेबल नंबर 18. ये सारी चीजें जो है ना, ये इंटरकनेक्टेड है. आपको ये एक सर्कल है. अब एक सर्कल को समझने के लिए आपको किसी ना किसी जगह पे बैठना होगा और फिर उस सर्कल की पूरी यात्रा करके पुनः उसी जगह पे आना है जहां से हमने वो यात्रा शुरू करी है, जिससे हम उस जगह को फिर से बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए. तो श्रिंकेज क्रीप एंड टेम्परेचर इफेक्ट हमने देख लिया. डिजाइन लोड हमने जो पिछली ये देखा था, देखो पिछली वाली दिखाता हूं, याद है ये देखा था ना हमने, FD = γF. आगे वापस से वहीं पे, चलो वेरी गुड. अब इसके बाद में अगली स्लाइड पे हम जाएंगे. बीम सेक्शन एंड प्रोफाइल, इसका नोमेनक्लेचर ये देखो, इसे आप देखिए.
ये यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, नोमेनक्लेचर बीम सेक्शन और प्रोफाइल है। व्हाट इज अ सेक्शन? अगर ये बीम है, आप छत की तरफ देखिए, छत पे आपको एक बीम दिखाई देगी। अब उस बीम को आप अगर साइड से देख रहे हैं तो ये जो हमारा ये वाला व्यू है जिसको हम कहते हैं बी, तो ये बी क्या हो जाएगा इसका प्रोफाइल। क्लियर, ये हो जाएगा इसका प्रोफाइल। लेकिन अगर मैं इसको यहां से एक चाकू लेता हूं अच्छा मजबूत वाला और इसको इसे यहां से, सॉरी स्ट्रेट लाइन में दिक्कत आ रही है, अगर मैंने इसको सीधा काट दिया ये, तो इसे मैंने कहा एक्स एक्स। तो जब मैं इस एक्स एक्स को यहां खड़ा हो जाऊंगा और यहां से देखूंगा, है ना, तो यहां से देखूंगा तो ये सेक्शन एक्स एक्स हो जाएगा, सेक्शन एक्स एक्स, इसे मैंने कह दिया ए। तो ये बीम का सेक्शन कौन सा हो गया, सेक्शन एक्स एक्स, ये हो गया हमारा ए। क्लियर, ये हो गया हमारा सेक्शन व्यू और ये हो गया हमारा प्रोफाइल व्यू। इसको बहुत ध्यान से समझना, जब हम साइड में देखेंगे तो ये बीम ऐसे दिखेगी, लेकिन अंदर के सरिये दिखेंगे क्या? नहीं, क्योंकि वो तो अंदर हो जाते हैं पैक कंक्रीट के। सामने से देखेंगे तो ये जो सरिया है हमें कैसे दिखेंगे, सर्कल जैसे दिखेंगे। आप सामने से अगर देखोगे तो जैसे ये पेन है, अब इसको मैं अगर सामने से देखूंगा तो कैसे दिख रही है, गोलाकार दिख रही है, क्योंकि आपने इसको काट दिया है ना, इसको काटा और सामने से देखोगे तो कैसा दिखेगा, ये गोलाकार दिखेगा। तो यहां से देखने पे हमें कितने सरिये दिख रहा है, केवल एक। प्रोफाइल देखने पे कैसा दिख रहा है, एक सरिया। लेकिन जब हमने उसका सेक्शन देखा तो कितने सरिये दिख रहे हैं, दो सरिये। यानी कि आप प्रोफाइल देख के नंबर ऑफ रीइंफोर्समेंट बार नहीं बता सकते, उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, सेक्शन देखना पड़ेगा। तो इसलिए सेक्शन हमेशा, हम जब भी डिजाइन करते हैं कॉन्क्रीट के स्ट्रक्चर की, बीम के डिजाइन करेंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका सेक्शन, फिर सेकेंड नंबर पे आता है उसका प्रोफाइल। सेक्शन के अंदर अब देखो, अब मैं इस सब चीज को मिटा देता हूं, ठीक है। इसके अंदर आप देखिए, ये बी, बी जो है इस कॉर्नर से लगा के इस कॉर्नर तक की, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक की डिस्टेंस, इसे कहा हमने बी। बी क्या हो गया, विड्थ ऑफ बी। ये बी कैसा है, कैपिटल है, स्मॉल है, तो स्मॉल ही रखना, कैपिटल मत कर देना, अदरवाइज दिक्कत आएगी, क्योंकि ये जो नोमेनक्लेचर है ये कोड के हिसाब से, तो हमें कोड की भाषा का अगर ध्यान रखेंगे तो हमको कोड का इस्तेमाल करने में आसानी होगी। तो कोड की भाषा सीख जाओ, कोड में बी को क्या दिया है, विड्थ ऑफ बीम, विड्थ ऑफ बीम, हिंदी में क्या कहेंगे उसे, बीम की चौड़ाई, बीम की चौड़ाई। क्लियर, तो बी हो गया हमारा विड्थ ऑफ बीम। उसके बाद में ये जो हिस्सा है, ये है ऊपर से लगा के पूरा नीचे तक, ये देखो, ये देखो, ये गया यहां पे, आगे आगे जा रहा है, ये जा रहा है, ये दिया है कैपिटल डी, कैपिटल डी, कैपिटल डी क्या है, डेप्थ ऑफ बीम, बीम की गहराई। ये गहराई कैसी है, संपूर्ण गहराई, ये गहराई कैसी है, संपूर्ण गहराई है। क्लियर, ये कैपिटल डी है या स्मॉल डी है, कैपिटल डी है, ध्यान रखना। कैपिटल डी क्या है, टोटल डेप्थ, टोटल डेप्थ क्या है, कैपिटल बी, टोटल विड्थ क्या है, स्मॉल बी, है ना। ये हो गया, समझ में आ गया। अब क्या होता है कि हम लोग किसी भी बीम के अंदर सरिये प्रोवाइड करते हैं, तो सरिये जो प्रोवाइड किए जाते हैं वो एकदम कॉर्नर पे नहीं चिपकाए जाते, क्यों, क्योंकि अगर आपने ये सरिये है, मान लो ये इसके अंदर देखो, यहां पे अगर मैंने सरिये दे दी तो क्या प्रॉब्लम आएगी, सरिये किसके बने होते हैं, लोहे के, स्टील के होते हैं, लेकिन लोहा ही होता है, स्टील भी अल्टीमेटली, तो लोहा जब हम ऐसा खुला लोहा रख देंगे, खुला रहेगा, खुला पड़ा लोहा क्या दिक्कत करेगा, हाँ, जंग लग जाएगी उसमें,
उसमें क्या लग जाएगी, जंग लग जाएगी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोरोजन। टू प्रिवेंट कोरोजन द बार्स आर इम्बेडेड इनसाइड द कॉन्क्रीट बीम। जंग को रोकने के लिए, जंग यानी कि जो आयरन के ऊपर लगने वाली जंग है उसको रोकने के लिए हम कॉन्क्रीट के अंदर उन सरियों को इम्बेड कर देते हैं। इम्बेड कर देना यानी कि उन्हें अंदर फंसा देते हैं, जिससे क्या होता है कि एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से, बाहरी वातावरण से इन सरियों का संपर्क टूट जाता है। तो बाहर अगर मान लो कि वातावरण में पानी भी है तो ये सरियों पानी लग पाएगा क्या? नहीं लग पाएगा, ये सरियों में पानी नहीं लग पाएगा, तो हमारे सरिये जंग से बचे रहेंगे। ये हो गया एक कारण। दूसरा कारण, सरियों को हम लोग अंदर क्यों फंसा देते हैं, दूसरा कारण जो है वो कारण होता है जोड़। तो दो जगह हो गए, जंग और जोड़। सरियों को कंक्रीट के अंदर क्यों रखा जाता है, बाहर क्यों नहीं रखा जाता है, जंग और जोड़। सरियों को जंग से बचाने के लिए, और जोड़ किसका किसका, जोड़ सरियों का और कंक्रीट का, प्रॉपर बॉन्डिंग हो जाए। इंग्लिश में कहेंगे इसे बॉन्डिंग। फॉर प्रॉपर बॉन्डिंग ऑफ स्टील बार्स विथ कॉन्क्रीट द बार्स आर इम्बेडेड इनसाइड द कॉन्क्रीट। आपने कॉन्क्रीट के अंदर अच्छे तरीके से रख दिया तो क्या होगा ना, प्रॉपर बॉन्डिंग हो जाएगी चारों तरफ, उस सरिये के चारों तरफ कॉन्क्रीट आ जाएगा तो वो पकड़ अच्छी बना लेगा कि ताकि सरिये हमारे ढीले ढीले ना रहे, उसके अंदर पकड़ प्रॉपर रहेगी। तो ये दो चीजें होंगी, तो इसे कितना अंदर फंसाएंगे, है ना, और उसे हम कहेंगे क्या। तो ये जो है ना हिस्सा, ये वाला, ये सेंटर से लगा के इसके कॉर्नर, ये सेंटर से लगा के जब हम लेंगे ना तो इसे कहेंगे नॉमिनल कवर। कवर कर दिया ना आपने, तो कवर क्या हो गया, नॉमिनल कवर। नॉमिनल कवर के अलावा दूसरा कवर क्या होता है, जब हमें इसे, ये देखो बाहर ले रहे हैं, है ना, ये मैं मिटा दूं, ये वाली पुरानी वाली मिटा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, बाहर क्लियर स्पेस है ना, वो लेंगे, उसे क्या कहेंगे हम, उसे कहेंगे क्लियर कवर। तो नॉमिनल कवर और क्लियर कवर में क्या अंतर है, क्लियर कवर जो होता है वो सरिये के नीचे से लिया जाता है, सरिये से नीचे से उसके जो कंक्रीट है उसकी भारी सरफेस के बीच की दूरी। नॉमिनल कवर क्या है, सरिये के सेंटर से जो बाहर का हमारा कवर है उसकी दूरी। ये हो गया नॉमिनल कवर और ये हो गया क्लियर कवर। दोनों में अंतर समझ में आना बहुत जरूरी है, बार बार रिवाइज करते रहना सीखोगे, ऐसे एक बार में याद नहीं होगा। तो नॉमिनल कवर और क्लियर कवर, ये दो चीजें होंगी। नाउ क्वेश्चन, क्लियर कवर एंड नॉमिनल कवर, इसकी वैल्यू कितनी होगी। इसकी वैल्यू के लिए आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू के लिए आपको खोलना है टेबल नंबर 16, पेज नंबर 47 IS 456 के अंदर। IS 456 के पेज नंबर 47 पर टेबल नंबर 16 आप देखेंगे तो उसमें आपको दी हुई है नॉमिनल कवर टू मीट ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट। इसमें आपको एक्सपोजर कंडीशन दी हुई है ना, इसको मैं हटा देता हूं। टेबल नंबर 16 के अंदर एक्सपोजर कंडीशन दी है ना, और दूसरी तरफ क्या दिया है, नॉमिनल कंक्रीट कवर इन मिलीमीटर, नॉमिनल कंक्रीट कवर इन, नॉमिनल कंक्रीट कवर क्या होगा, नॉमिनल कंक्रीट कवर होगा सेंटर, सरिये के सेंटर से उसके जो हमारे बीम है उसकी बाहर की बीच की दूरी, ये होगा नॉमिनल कवर। क्लियर कवर क्या होता है, वो सरिये के बाहरी हिस्से से इसके बीच की दूरी होता है। तो नॉमिनल कवर कितना दिया है, माइल्ड एक्सपोजर के केस में,
पहला एक्सपोजर कंडीशन है माइल्ड। माइल्ड यानी कि अगर आपको ये एक्सपोजर कंडीशन देखना है ना, इसके लिए भी टेबल है, इसके लिए आप एक्सपोजर कंडीशन के लिए टेबल देखेंगे, टेबल नंबर 3। पेज नंबर 18 पे, वहां पे आपको एक्सपोजर कंडीशन मिल जाएगी। माइल्ड यानी कि कंक्रीट सर्फेसेस प्रोटेक्ट अगेंस्ट वेदर और एग्रेसिव कंडीशन एक्सेप्ट दो सिचुएशन इन कोस्टल एरिया। माइल्ड, माइल्ड के लिए नॉमिनल कवर कितना है? माइल्ड के लिए नॉमिनल कवर दिया है आपको 20 mm, तो मिनिमम कवर कितना हो गया कॉन्क्रीट के लिए 20 mm। दूसरी कंडीशन कौन सी है? मॉडरेट। मॉडरेट के लिए कवर कितना है? 30 mm। फिर सीवियर, सीवियर के लिए कितना है? 45। और उसके बाद वेरी सीवियर, वेरी सीवियर के लिए 50। और एक्सट्रीम, एक्सट्रीम केस में हमको कितना कवर देना है? 75 mm। देखो एटमॉस्फेरिक कंडीशन जितनी ज्यादा खराब होती जाएगी, हमारे शरीरों को उतनी ज्यादा दिक्कत होगी बाहरी वातावरण से। अगर समुद्र के किनारे आप कोई स्ट्रक्चर बना रहे हो, तो समुद्र की हवाएं जिसमें बहुत सारा पानी और बहुत सारा नमक है, तो वो नमक वाला जो पानी, वो जो हवा है, वो हवा उन शरीरों को लग के उनको जंग लगा देगी, वो जल्दी से जल्दी खराब होंगे। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, शरीर को अंदर और अंदर कॉन्क्रीट के रखना पड़ेगा। तो जैसे जैसे आपकी कंडीशन वर्स होती जाएंगी, वैसे वैसे आपका कवर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, इसलिए ये टेबल बनी है। इसमें नोट दिया हुआ है, अगर आपने 12 mm से छोटे सरिये दिए हैं, है ना, अगर आपने 12 mm से छोटे सरिये दिए, तो छोटे सरियों के लिए आप जो नॉमिनल कवर है उसकी वैल्यू 5 mm से कम कर सकते हो हर केस में। दूसरा ये है कंडीशन नंबर 3 कि सीवियर और वेरी सीवियर के कंडीशन केस में एम 35 और ऊपर की ग्रेड में आप सरियों का नॉमिनल कवर 5 mm से कम कर सकते हो, ठीक है। और इनके बीच में नॉमिनल कवर जो है प्लस माइनस 10 mm का इसमें एरर का चांस रख सकते हो कि 10 mm तक इसमें गुंजाइश है, पर उससे ज्यादा एरर नहीं होना चाहिए। ये हो गया हमारा कवर, ठीक है। तो अब हमारी लास्ट में अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट चीज, वो है ये स्मॉल डी। स्मॉल डी क्या है? स्मॉल डी कैपिटल डी जो है टोटल डेप्थ में से आपने क्या माइनस करा? नॉमिनल कवर माइनस नॉमिनल कवर। तो टोटल डेप्थ में से जब नॉमिनल कवर माइनस, क्लियर कवर नहीं, नॉमिनल कवर, नॉमिनल कवर यानी कि सेंटर से, तो सरिये के जो केंद्र बिंदु है वहां से कंप्रेशन वाला जो फाइबर है, यहां पे कंप्रेशन होगा, यहां पे टेंशन होगा, तो कंप्रेशन वाला जो फाइबर है इनके बीच की डिस्टेंस को हमने क्या कहा? छोटा डी। छोटा डी को बोला जाता है इफेक्टिव डेप्थ, बड़ा डी नहीं है ये, कौन सा डी है? छोटा डी। तब मैं एक काम करता हूं, इसे पूरा लिखता हूं, स्मॉल डी इज इक्वल टू इफेक्टिव डेप्थ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्मॉल डी इज इफेक्टिव डेप्थ, स्मॉल डी इज इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ क्या हुई? ये हुई कैपिटल डी माइनस नॉमिनल कवर, यानी कि सरिये के सेंटर से, सरिये के सेंटर से जो कंप्रेशन वाला जो हिस्सा है कंक्रीट का, उनके बीच की दूरी, इसे हमने क्या कहा? कैपिटल स्मॉल डी, कैपिटल नहीं है ये, स्मॉल डी, ये ध्यान रखना। ये हो गया। अब इसके बाद अगली चीज के बारे में बात करते हैं। अगली चीज आती है न्यूट्रल एक्सिस NA। NA क्या है? न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल है यानी ये क्या है? न्यूट्रल है यानी ना तो इसमें कंप्रेशन हो रहा है ना इसमें टेंशन हो रहा है। कैसे? जब इस बीम के ऊपर ये इस प्रकार का क्या लगेगा? ये UDL, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इस UDL के कारण इस बीम कुछ इस प्रकार से बेंड हो जाएगी, है? ये बीम भी नीचे आ जाएगी। जैसे किसी जब मान लो कि ये कोई खटिया है, खटिया पे कोई व्यक्ति बैठता है, तो खटिया कैसी नीचे से ऐसी मुड़ जाती है, तो
तो बिल्कुल ऐसे ही ये बीम भी मुड़ेगी, पर क्योंकि खटिया बहुत कमजोर होती है इसलिए वो मुड़ती हुई अलग ही दिख जाती है। लेकिन कॉन्क्रीट बीम क्या होती है ना, उसके अंदर डिफ्लेक्शन इतना प्रॉपर दिखता नहीं है। अगर उसमें उतना डिफ्लेक्शन हो गया तो फिर आप लोग कभी कॉन्क्रीट के स्ट्रक्चर के नीचे रहोगे ही, इसलिए उसमें डिफ्लेक्शन तो होता है पर उतना नहीं होता है। तो ऊपर के जो फाइबर है ये क्या हो रहे हैं, ये जो है मान लीजिए दो पॉइंट थे, ये दोनों पॉइंट क्या हो गए, दूर हो गए। ऊपर अगर ये दो पॉइंट लेते हैं, ये दो पॉइंट क्या होंगे, पास पास आ जाएंगे, पास आ रहे हैं, यानी कि ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो यहां क्या हुआ है, कंप्रेशन। नीचे की तरफ जाएंगे तो नीचे क्या होता है, ये जो पॉइंट है, अगर ये पॉइंट यहां थे तो ये दोनों पॉइंट कहां जाएंगे, दूर जाएंगे, तो यहां क्या जनरेट होगा, टेंशन। तो कंप्रेशन में कॉन्क्रीट स्ट्रांग होता है, टेंशन में कॉन्क्रीट वीक होता है, इसलिए टेंशन में हम लोग क्या यूज करेंगे, बार। कंप्रेशन में क्या यूज करेंगे, कॉन्क्रीट। लेकिन बीच में ये जो नीली वाली लाइन चल रही है ना, इसे कहते हैं हम न्यूट्रल। यहां पे ना तो कंप्रेशन होगा ना ही टेंशन होगा, इसको आप हमेशा याद रखना कि न्यूट्रल एक्सिस किसे कहते हैं, इसे कहते हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है सपोर्ट से सपोर्ट के बीच की क्लियर दूरी को हम कहते हैं क्लियर स्पान, CLEAR, क्लियर स्पान। क्या कहा हमने, क्लियर स्पान, इसको स्मॉल एल से डिनोट करता है, ठीक है, क्लियर स्पान। फिर क्या होता है, दूसरा एक कॉन्सेप्ट आता है एल इफेक्टिव, यानी इफेक्टिव स्पान। इफेक्टिव स्पान किसे कहेंगे, इफेक्टिव स्पान जो होता है उसके लिए फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला आपको देखने के लिए अपने कोड में जाइए, इफेक्टिव स्पान देखने के लिए अपने कोड के अंदर, कोड कौन सा है, IS 456, उसके पेज नंबर 34 है ना, क्लॉज नंबर कौन सा है उसका, 22.2 जाइए। इसमें आप देखिए, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड द इफेक्टिव स्पान ऑफ अ मेंबर शैल बी एज फॉलो, वहां पे एल इफेक्टिव कैलकुलेट करने के लिए वैल्यू दी है। एल इफेक्टिव सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, पहले कौन से दिया है, सिंपली सपोर्टेड बीम, ये जो नीचे हमारे बीम है ना, ये सिंपली सपोर्टेड, इसके दोनों तरफ सपोर्ट लगा हुआ है और ये बीम उसके ऊपर, उन सपोर्ट के ऊपर रेस्ट कर रही है, तो ये कौन सी होगी, सिंपली सपोर्टेड बीम। क्या दिया है उसमें, ए में दिया है द इफेक्टिव स्पान ऑफ अ मेंबर दैट इज नॉट बिल्ट इंटीग्रली विद इट सपोर्ट शैल बी टेकन एज क्लियर स्पान प्लस द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब और बीम और सेंटर टू सेंटर ऑफ सपोर्ट विच एवर इज लेस। आपको दिया है अगर ये हमारा बीम है, ये उस सपोर्ट का सेंटर है, ठीक, अगर ये इस सपोर्ट का सेंटर है ना, तो इस सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस एक तो ये हो गया ए, दूसरा बोला है कि जो क्लियर स्पान है प्लस इफेक्टिव डेप्थ जो भी मिनिमम होगा वो होगा आपका एल इफेक्टिव। अगर मैं इसे समझाऊं तो एल इफेक्टिव इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ क्लियर स्पान प्लस और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट, ठीक, यानी कि इन दोनों वैल्यू को निकालेंगे, इन दोनों वैल्यू में से जो मिनिमम होगा वो हमारा होगा एल इफेक्टिव। तो एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के तौर पर ये बीम है ना, इस बीम के लिए इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू कितनी है, मान लीजिए की वैल्यू दी है 400 250, ठीक है, और सपोर्ट लगा हुआ है
है ना, इन सपोर्ट की विड्थ कितनी है 230 mm और 230 mm. मान लो आपको कितना दिया है, स्पान दिया है मान लो l is equal to 2 meter. ठीक, तो क्या क्या दिया है, given given में क्या दिया है, डेप्थ d कितनी दी है 250 मिलीमीटर है ना, और विड्थ सपोर्ट, विड्थ ऑफ सपोर्ट कितना दिया है 230 मिलीमीटर, l l यानी क्लियर स्पान वो कितना दिया है 2 मीटर, अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट करना तो कितना हो जाएगा 2000 मिलीमीटर, क्यों, क्योंकि एक मीटर में होते हैं 1000 मिलीमीटर. अब क्या करेंगे, अब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला, जो अभी हमने ऊपर देखा ये वाला. तो पहले निकालिए एल प्लस डी, एल प्लस डी कितना होगा, एल कितना है 2000 प्लस डी कितना है 250, कितना हो जाएगा 250 mm. दूसरा फॉर्मूला क्या है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट, सेंटर टू सेंटर यानी एक सपोर्ट ये हो गया, एक सपोर्ट ये हो गया, ये डिस्टेंस कितनी हो गई 230 by 2, ये डिस्टेंस कितनी हो गई 230 by 2, और जब मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, और बीच का ये 2 मीटर का ये तो है, तो इन दोनों के बीच की टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये हो जाएगी 2000 प्लस 230 by 2 प्लस 230 by 2, कितना हो गया अल्टीमेटली, ये हो गया 2230 mm. ठीक, तो अब मुझे ये बताओ कि व्हाट विल बी द इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ विल बी द मिनिमम ऑफ 250 एंड 2230. इफेक्टिव लेंथ दोनों में से मिनिमम होगी, तो दोनों में से मिनिमम क्या है, 2250 है या 2230 है, 2230 mm, ये हो जाएगी आपकी इफेक्टिव लेंथ. ठीक है, 2230, ये हो गया आपका इफेक्टिव लेंथ का कॉन्सेप्ट. चलिए, तो अब आज के इस सेशन में हमने काफी सारी चीजें पढ़ ली हैं, अब इन सबको आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, दो चार बार पांच बार जितनी बार हो सके इस वीडियो को बार बार देखिए, क्योंकि जब तक ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होंगे तब तक आपको बहुत दिक्कत आएगी इस हमारे जो हम आगे क्वेश्चन करने वाले हैं उन सब क्वेश्चंस के अंदर. तो हम जो क्वेश्चन करेंगे उसमें इस बीम का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे, न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ निकालेंगे, एक्सयू वाई डी की वैल्यू निकालेंगे, एक्सयू मैक्स वाई डी की वैल्यू निकालेंगे, है ना. अच्छा हाँ, इसमें एक चीज और मैं बता देता हूँ, ठीक है वो तो आते रहेगा बता देंगे, लेकिन फिर भी देख लो कि ये जो सरिया है ना इसका डायामीटर है, व्यास, उसे कहते हैं हम फाई, फाई फाई इज इक्वल टू व्यास ऑफ बार, डायामीटर, डायामीटर को डी से नहीं बताना है, डायामीटर को फाई से बताना है, क्योंकि डी क्या है, इफेक्टिव डेप्थ. अगर आपने डायामीटर को डी से बता दिया तो क्वेश्चन में आप दिक्कत कर दोगे, आप गलती कर दोगे, फाई और डी में कंफ्यूज हो जाओगे, और जहां पे डी की वैल्यू रखना है वहां फाई रख दोगे और आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा. तो व्यास कितना है फाई, क्लियर. और ये जो सरिया है ना इसका ये एरिया है, तो इसे कहेंगे हम AST, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, टेंशन में स्टील का एरिया, क्षेत्रफल, जो स्टील है वो टेंशन में उसका कितना एरिया है, वो हो जाएगा आपका AST, क्लियर. तो अब आपके हो गए ये सारे कॉन्सेप्ट, जो कि समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज इन कॉन्सेप्ट के बिना आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे. छोटा बी विड्थ ऑफ द बीम, छोटा डी इफेक्टिव डेप्थ, ये न्यूट्रल एक्सिस, ये एक्सिस की डेप्थ को ये कहेंगे हम XU, ये एक और चीज है ना, इसे हम कहेंगे XU, न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ फ्रॉम द कंप्रेशन फाइबर, ये हो जाएगी XU, क्लियर.
So what is xu? Xu is depth of neutral axis. तो न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ भी मालूम पड़ गई हमको, है ना सरिया? ये जो है इसका डायमीटर क्या कहेंगे? 5, इसका भी 5. कितने सरिये हैं? 2 एट द रेट 5, ऐसे लिखते हैं. अभी और हम आगे पढ़ेंगे तो मालूम पड़ जाएगा. कैपिटल डी क्या है? कैपिटल डी इज टोटल डेप्थ ऑफ द बीम. और क्या बचता है? और हमने क्लियर स्पान देख लिया है, इफेक्टिव स्पान भी देख लिया है, और हमने क्या देखा है यहां पे? क्लियर कवर और नॉमिनल कवर दोनों देख लिया है.